इस मसले में मतला साफ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। मैं खास करके सुलेमान भाई को सुना, आप बहुत मायूस हो रहे थे, मैंने कहा कि कोई डिमांड नहीं, मैं आऊंगा, हर बार आऊंगा, नो प्रॉब्लम। दिल में है हासला बड़ाई का। क्या कहने अल्लामा मुफ्ती खालिद साहब, मैं दुआएं चाहता हूं। दिल में है हौसला बड़ाई का, दिल में है और आपने मतला सुन लिया है और अच्छा सुना है तो एक और मतला पढ़ देता हूँ। यानी सरकार की गदाई का जिक्र करे उन्हें की पारसाई का, कलीम भाई बस मतला सुन ले, एक मतला सुन ले, एक और सुन ले, बहुत खूबसूरत है। जिक्र करे की पार साए का, जिक्र करे की पार साए का, अरे दम निकल जाएगा बुरा। हजरत पढ़ देने के लिए मैं दोबारे पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। अच्छा अच्छा, जिक्र करे की पार दम निकल जाएगा बुराई का, दम निकल जाएगा बुराई का। शेर यहाँ से पढ़ता हूँ, दो मतलब मैंने पढ़ दिया है, कोई एक भाई कह दे सुभान अल्लाह इधर से। सुनिए 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 मुफ्ती साहब, कोई इंसान कभी खुदा ना हुआ, कोई ना हुआ, अरे लाख तावा किया खुदाई। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे
अब जो शेर पढ़ देता हूँ इसे मुझे बाद में पढ़ना था, लेकिन मैं अभी पढ़ देता हूँ, थोड़े से आपसे सुस्ती दूर हो जाए। मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा है, आजकल YouTube का दौर है, आप देख लेना, मैंने जहाँ जहाँ भी पढ़ा है पूरा मजमा जो मोहब्बत वाला मजमा होता है वो खड़ा होकर इस्तकबाल करता है। जो शेर पढ़ देता हूँ बस फैसला आपके जिम्मे है, मुझे करना कुछ नहीं है, सुनना आपको, मुझे सुनाना है। कोई कभी खुदा ना हुआ लाख दावा किया खुदाई का। अब सुनिए शेर, मैं बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूँ, अल्लामा इमरान हनफी साहब अब्दुल्ला दुआएं दीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ शेर। बापरे इतनी ठंडी तो अभी आई नहीं है, मगर आप ठंडे पड़ गए, मैं पढ़ देता हूँ। इस्तकबाल करना ये झालदा वालों के जिम्मे है, पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। जिक्र कर उनकी पारसाई का, मैं वही देख रहा था आपकी तैयारी है, दम निकल जाएगा बुराई का। अब सुना और मुझे बताना कि शेर कैसा है। मैं जानता हूँ कि शेर अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। अब अगर आप अच्छा ना सुने तो ये गलती आपकी है। एक मोमिन, एक मोमिन का एक मोमिन से, एक मोमिन का एक मोमिन से, अरे असल रिश्ता, असल रिश्ता है भाई भाई। सब भाई, सब भाई मिलकर अपने हाथों को उठाएं, जितने भाई हैं सब अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल आजम, अजमत मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत। मैंने पहले ही इसलिए कहा था कि तैयारी आपकी होगी, शाहजहां नेटवर्क बैठा है, मैं पढ़ता हूँ। अब फिर से पढ़ दूं तो फिर ऐसे ही चुपचाप सुन लोगे ना भाई, चुपचाप सुन लोगे ना, बस सुन लेना, आसान सा शेर है मगर अच्छा। एक मोमिन का एक मोमिन से, जितने मोमिन मुसलमान बैठे एक साथ होना और बोलना मेरे साथ होना। एक मोमिन का एक मोमिन से, असल रिश्ता, अरे असल रिश्ता, असल रिश्ता है भाई भाई। क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। एक शेर और सुन लो, ये एहसान कर दो, एक बार बार हाथ उठाएं कह दें या रसूल अल्लाह, बहुत अदब से बहुत मोहब्बत से हाथ उठाइए और आवाज़ें बुलंद ताकत लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। अब एक शेर सुनाता हूँ, असल रिश्ता है भाई भाई का। एक मोमिन का एक मोमिन से, एक साथ मेरे साथ पढ़ना है आपको,
असल रिश्ता है भाई। हाय हाय हाय, रिश्तों के बिखराव के पस मंजर में कितना अच्छा शेर है। आज किसी भाई का किसी भाई से नहीं बन रहा है, लेकिन अगर ये शेर सुन लेगा तो हर भाई अपने भाई को गले लगा लेगा। क्या क्या जरा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं जहाँ पढ़ता हूँ इस्तकबाल लोग करते हैं, लेकिन आज ऐसा हुआ नहीं। चलो मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरे साथ आप पढ़ लो। एक मोमिन का एक मोमिन से असल रिश्ता भाई भाई का क्या क्या। और एक शेर सुना देता हूँ, बाकी का शेर इंशाल्लाह फिर कभी। लाना पाया, लाना पाया जवाब को पाया, लाना पाया जवाब को पहाड़। शहरे तैबा शहरे तैबा की एक राय लाना पाया जवाब कोई पहाड़। शहरे तैबा की एक राय का, शहरे तैबा शुक्रिया मेरे भाइयों। मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं थी, ये वसीम भाई को मैं जवाब दे चुका था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन कहा बस आ करके आप बैठ जाना, घर का जलसा है, टेंशन नहीं। तो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ तो मैं पीर साहब तो हूँ नहीं कि आके बैठ जाऊंगा, हमको लोग बख्श देगा, ऐसा होता नहीं है। वो पीर साहब लोगों के साथ में है। मेरा मामला है कि मैं बुजुर्गों का गुलाम हूँ। मैं वो कलाम पढ़ देता हूँ जो मोबाइलों का रिंग